द पीपल या हम भारत के लोग, जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वी द पीपल की पोस्ट या वी के नाम से जो एक पीले और एक लाल रंग की पोस्ट आ रही हैं या एक लोगो आ रहा है, तो अधिकतर लोगों के मन में जिज्ञासा है कि वी द पीपल है क्या। दरअसल भारत के संविधान की पहली लाइन है वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हैं। यहाँ जितने भी ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जो लोग लगातार लगातार आपको ये कह रहे हैं कि ये वी द पीपल है, तो समझिए कि वी द पीपल बेसिकली करता क्या है, है क्या और किस लिए ये काम करता है। ऐसे लोग जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, कानून में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अपने देश की तरक्की चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत दुनिया में महाशक्ति बने, विश्व गुरु जैसा सम्राट अशोक के समय था, जैसा बुद्ध के समय था, जब भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 26% हुआ करती थी, सारा व्यापार हमारे यहाँ से चलता था और 12 यूनिवर्सिटियाँ जो फेमस थीं वो हमारे यहाँ थीं और जीवक जहाँ से पढ़े थे वो जो तक्षला जो यूनिवर्सिटी है जहाँ शरीर का विज्ञान पढ़ाया जाता था, मेडिकल साइंस यानी डॉक्टर बनते थे, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते थे, उस गौरवशाली बात, उस गौरवशाली इतिहास, उस गौरवशाली पहचान, उस गौरवशाली व्यापार और उस समय के महाभारत के सबसे बड़े सम्राट अशोक, यानी कि सबसे ऊपर दुनिया में हम लोग रहे हैं, ऐसा ही दोबारा से वो भारत को महाभारत होते हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो दिन रात मेहनत करें और भारत बुलंदियों पे पहुंचे दोबारा से और सम्राट अशोक का नाम पूरी दुनिया में फिर सम्मान से लिया जाए। तो उसके लिए जो लोग हैं उन्होंने ऐसा ठाना कि जो लोग संविधान में यकीन रखते हैं, भारत में यकीन रखते हैं, भारतवासियों में यकीन रखते हैं, उनको सच्चे मन से एक प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने वालों में अधिकतर लोग वो हैं जो समण हैं। समण का मतलब है जो भगवान बुद्ध ने कहा था, समणा और बमणा, यानी कि समण जो यहीं की आवाज़, यहीं के लोग रहे हैं, और बमण जो बाहरी आवाज़, बाहरी लोग रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने दोनों का ही कल्याण किया, दोनों का ही उत्थान किया। तो जो बमण लोग हैं हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि वो साधन संपन्न हैं, उनके पास में सब कुछ है भारत में और बहुत ज़्यादा है। हम समण लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जब तक इन लोगों के पास सारे संसाधन, सारी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छे मकान, अच्छे संसाधन आने जाने के, मोटर कार गाड़ी, इनके बच्चों के लिए बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया इनके लिए खाना, बढ़िया दवाई, बढ़िया व्यवस्था और पूरी दुनिया में आने जाने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक भारत विश्वगुरु दोबारा से नहीं बन सकता, क्योंकि सम्राट अशोक के समय सारी जनता समानता के आधार पर सभी को मौका मिलता था और सभी भरपूर काम करते थे, उस काम की वजह से ही हम जीडीपी का 26% यहाँ पैदा करते थे। तो कर क्या रहे हैं ये लोग? दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नेता पर, अपने लीडर पर, चाहे वो सामाजिक रहा हो, चाहे वो राजनीतिक रहा हो, चाहे वो आर्थिक नेता रहा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारियों का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो छात्रों का नेता हो, चाहे किसी ने कोई वॉलंटियर या कोई दल या कोई सेना, आर्मी, ब्रिगेडियर, पैंथर पार्टी, इस तरह का कोई संगठन बना रखा हो, समण संगठन की बात हो रही है, क्योंकि अधिकतर परेशानी समण संगठनों में है। तो हम यहाँ सिर्फ समण तरह के जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। समण का मतलब भारत के जो यहाँ समता की आवाज़ और यही की आवाज़ के लोग हैं। तो उन लोगों ने सभी अपने लीडर्स पे भरोसा किया। सभी लीडर्स जितने भी थे, चाहे वो धार्मिक लीडर हैं या राजनीतिक लीडर हैं, उनकी बात को माना। सभी लोगों ने उनसे कहा कि ये बाबा साहब की बात है, ये जो हमारे बहुजन समाज के ज्योतिबा फूले हैं उनकी बात है, या जो सम्राट अशोक है उनकी बात है, या जो हमारे बुद्ध हैं उनकी बात है, या जो हमारे कबीर हैं या गुरु रविदास हैं या जो भी हमारे संत महापुरुष रहे हैं उनकी बात है।
तो उनकी बात को उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि सबने कहा है कि संगत एक साथ आनी चाहिए, संगठन आना चाहिए, संगठित होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा कि संगठित रहो, संगठित रहने से डेमोक्रेसी के अंदर आप अपनी बात को जोरदार हिस्सेदारी के साथ कह सकते हैं और आपको उसका फल देश में मिलेगा, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। ये डेमोक्रेसी का एक नियम है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बात आपकी मानी जाएगी, संख्या बल उतना ज़्यादा होता है। तो सभी लोगों पर यकीन किया, और बाबा साहब के बाद में 1956 से लगातार यकीन करते आ रहे हैं। बहुत तरह के लोग आए, बहुत तरह के लोग गए, सबने यकीन दिलाया कि हम आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और लोगों ने अपनी जेब से, अपने तन मन से, अपनी मेहनत से पैसा दिया। उनके झंडे, उनके डंडे लेके खड़े रहे, उनके सपोर्टर रहे, मरने मारने के लिए उनके लिए तैयार रहे। उन्होंने जहाँ कहा वहाँ मीटिंग के लिए आए, जैसे उन्होंने कहा वैसे बात मानी, और सब कुछ वो किया जो लीडर्स ने कहा। मगर लीडर्स में एबिलिटी नहीं थी इस बात की कि वो संगठित या ऑर्गेनाइज कर सकें, इसलिए उन्होंने हमको तो कहा कि संगठित हो जाइए, संगठित हो जाइए, और हम उनके नीचे संगठित हो गए। मगर उन्होंने अपने आप को हजारों टुकड़ों में बदल लिया। उनका ईगो समस्या हो सकती है, उनकी पर्सनल समस्या हो सकती है, उनकी कोई रोजी रोटी की समस्या हो सकती है, उनकी कोई रिश्तेदारी की समस्या हो सकती है, उनका कोई आपस में दुश्मनी हो सकती है। मगर इन सब बैर भावों से और इन सब अज्ञानता से हुआ ये कि जो बाबा साहब लेके आए थे वो इन लीडर की आंखों के सामने, इन नेताओं की आंखों के सामने, इन धार्मिक नेताओं की आंखों के सामने, इन सामाजिक नेताओं की आंखों के सामने, इनके हाथ से, उनकी सहमति से इनकी आंखों के सामने गया। यानी कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात लिखी जाएगी कि हजारों संगठन थे बाबा साहब के, और बाबा साहब का अधिकार इन नेताओं के सामने से गया। बेसिकली एक शब्द में कहें तो ये नेता इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं कि ये बाबा साहब की लाई हुई जो सहूलियत और जो मौका थी भारत के लोगों के लिए, उसको बचा नहीं पाए और वो चला गया इन नेताओं के होते हुए, क्योंकि ये संगठित होना जानते नहीं, ये दरअसल टूटना जानते हैं। एक संगठन जो 1978 में बना था सामाजिक, वो किसी के नाम से नहीं बना था। उसको कभी नहीं कहा गया कि ये जो संगठन है जिसका नाम बामसेफ है वो काशी राम का बामसेफ है। यानी 1978 में वो सिर्फ बामसेफ था, काशी राम का बामसेफ नहीं था। तो वो एक सामाजिक संगठन था, एक था, मगर लोगों ने अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने हमारा कोई फ़ायदा नहीं देखा, यानी हम जो भारत के लोग हैं, जनता है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं देखा, अपने फ़ायदे, अपने ईगो, अपने अहम के लिए गुटबाजी की, और वहाँ से संगठनों को एक के दो, दो के चार, चार के आठ, 26 बताते हैं आज की डेट में, और भी ज़्यादा है, छोटे छोटे टुकड़े बहुत ज़्यादा हैं। और ये सारे ही जब रात को सोते हैं तो प्रधानमंत्री की शपथ लेकर सोते हैं, यानी ये सपने में प्रधानमंत्री बनते हैं सारे के सारे, और प्रधानमंत्री से बनने कम बनने के लिए कोई सा भी नेता तैयार नहीं है। इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, इनके पास ना आदमी है ना कुछ है, और जिन लोगों ने इन पर भरोसा किया इसलिए कि ये मेरा रिश्तेदार है, या ये मेरा जानकार है, या ये मीठी मीठी अच्छी अच्छी बात करता है, या ये कर लेगा ऐसा यकीन दिलाया है, तो सीधे साधे लोग जो उनके साथ गए, उन्होंने कभी उनसे कोई प्रश्न भी नहीं किया कि भाई तुम अकेले होके कैसे हमें फ़ायदा दोगे, या कैसे समाज को फ़ायदा दोगे, या कैसे बाबा साहब जो लेके आए हैं उसको बचाओगे भी और आगे बढ़ाओगे भी, ये प्रश्न किया नहीं। ऐसा नहीं है कि सबने प्रश्न नहीं किया, कुछ लोग जागरूक थे, उन्होंने प्रश्न किए, तो उनका हश्र ये हुआ कि उनको निकाल दिया गया, उनको हटा दिया गया, और वो मायूस होके बैठ गए। उन्होंने समझदारी ये दिखाई कि उन्होंने नया संगठन बनाने की कोई अपनी मेहनत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि एक संगठन और बना के एक टुकड़ा और हो जाएगा, फ़ायदा होगा नहीं। तो ऐसे जितने भी लोग थे, चाहे वो धम्मिक हैं, यानी जो बाबा साहब का 1956 में जो धम्म दिया था, धम्म के भी हजारों टुकड़े हैं, चाहे वो धम्म में मायूस हुए लोग हैं, चाहे वो सामाजिक जो बामसेफ जैसी संस्था या जो और संस्था बनी है उनके बिखरे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, मायूस लोग हैं, या जो राजनीति से बिखरे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, या जो ये दल बल सेना समता, ये जो पैंथर पार्टी, ब्रिगेडियर, ये सब जो वॉलंटियर फोर्स, इसके जो लोग हैं, या जो आर्थिक परेशानी से जूझते हुए आर्थिक लोग हैं, या जो सरकारी कर्मचारियों के लोग हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के तो आंखों के सामने से सरकारी डिपार्टमेंट ही बिक गए, तो वो मायूस लोग हैं, या वो लोग हैं जो सब कुछ मेहनत करने के बाद में जब नहीं देखा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो चुपचाप बैठ गए। ऐसे जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक बार फिर सोचा कि नहीं,
आदमी आता है जाता है, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने आपस में इकट्ठा होने का प्रोसेस स्टार्ट किया, लगभग 3 साल हो गए, और 3 साल में काफ़ी सारे लोग इस सोच के आ गए कि नहीं, हमको इकट्ठा होकर एक बार फिर मेहनत करनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब अकेले थे तो तब मायूस नहीं हुए, हम इतने सारे लोग हैं, हमें मायूसी छोड़ के एक बार फिर मेहनत करनी चाहिए। तो वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस विदा पीपल में आ गए। ये विदा पीपल कोई ऐसा संगठन नहीं है जहाँ पद बढ़ते हों या जहाँ पोस्टें बढ़ती हों। यहाँ तो आप में काम करने की क्षमता कितनी है, जितनी आप के अंदर काम करने की क्षमता है उतना ही लोग आपको अपने सर पे बैठाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप आइए और काम कीजिए, आपको जितना काम करना है। मगर ऐसा मत सोचिए कि काम करेगा मोहनलाल और फल खाएगा सोहनलाल, वो यहाँ नहीं चलता। ऐसा भी मत सोचिए कि हम यहाँ कोई गुट बना के इसको तोड़ के ले जाएंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ सोचेंगे तो आप अकेले ही रहेंगे, फिर आप समण समाज के द्रोही हो जाएंगे। समण द्रोही आपका नाम घोषित हो जाएगा, आपको एक पुरस्कार मिलेगा जो समाज देगा, समण द्रोही। तो आप अगर समण द्रोही बनना चाहते हैं तो यहाँ आके टूट फूट करके आजमा के देख सकते हैं। ये बड़े ही सुलझे हुए लोग हैं और बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं और मेहनत करते हैं, क्योंकि सभी परिपक्व लोग हैं और सभी जानकार लोग हैं। तो ये जो पोस्टें आपके पास आती हैं इनमें कोई ना कोई फ़ोन नंबर होता है, क्योंकि सभी लोग इंडिपेंडेंट होके और एक साथ होके, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे बहुत सारी नदियाँ अलग अलग बहती हैं और सब एक साथ मिल भी जाती हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति अलग अलग आपको मिलेगा, काम करेगा, मगर वो वी द पीपल का ही होगा, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए यहाँ कोई फार्म और फीस तो है नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है कि ये किसी का फ़ोन नंबर समण समाज का आज के अंदर आया है, आप उससे बातचीत कीजिए। आप अगर ठीक ठाक होंगे, वो अगर ठीक ठाक होगा, आपका मन मिलेगा, काम आगे बढ़ जाएगा, और डे बाय डे ये बढ़ रहा है। इसलिए समण समाज के अंदर कोई ऐसी नीति नहीं है जो प्राकृतिक ना हो, जो नेचुरल ना हो। यहाँ सारी की सारी नीतियाँ तभी हाथ के हाथ बनती हैं, जो समस्या आती है वो सॉल्व हो जाती है। कोई ऐसा फिक्स पैटर्न या फिक्स प्रोग्राम नहीं है कि पहले से ही सांचे में ढाल के एक प्रोग्राम बना दिया है। आप ये समझें कि जैसे भगवान बुद्ध ने संघ बनाया था, तो उन्होंने संघ की कोई रूपरेखा नहीं बनाई थी, उन्होंने कोई संघ के नियम शुरू में नहीं बनाए थे, कोई विनय पिटक नहीं बनाया था उन्होंने। उन्होंने तो सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को फायदा हुआ, लोग जुड़ने लगे, संघ बनने लगा, और जैसे जैसे उसमें परेशानी आती गई वैसे वैसे विनय के नियम बनते गए, एक साथ नियम नहीं बने। और जो गोल था, जो अचीव था उस समय के हिसाब से, वो ये था कि आप अपनी सारी बुराई छोड़ें, और सारी बुराई छोड़ते ही अच्छाइयाँ निकल आती हैं। वैसे ही यहाँ भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप जैसे जैसे आप इकट्ठे होते चले जाएंगे, वैसे वैसे नेचुरल ही आपके दुख दूर होते चले जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, और जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, वो सब आप लोग यानी जो सब आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के एक्सपर्ट होंगे ही, वो अपने आप ही अपना सिस्टम बना लेंगे। यानी कि पहले से कोई सिस्टम बना के तैयार नहीं किया गया है, सिस्टम जैसे जैसे आते जा रहे हैं लोग, वैसे वैसे सिस्टम इवॉल्व होता जा रहा है, अपने आप बनता जा रहा है। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती जा रही है, वैसे वैसे चीज़ें सॉल्व होती चली आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य एक ही है, परिणाम हमको एक ही चाहिए कि हम भारत को दोबारा से बहुत विशाल और महाभारत जैसा समृद्ध अशोक के समय का जो देश है, उसे बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। क्योंकि अगर भारत समृद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे भारत के हर आदमी के पास में रोजगार भी होगा, पैसा भी होगा, बिजनेस भी होगा, आने जाने का साधन भी होगा, कार, कोठी, बंगला भी होगा, घर भी होगा, कोई फैक्ट्री भी होगी, कोई इंडस्ट्री भी होगी। सामूहिक रूप से जैसे जैसे आएंगे, वैसे वैसे ये समस्या सॉल्व होती चली जाएगी, और सबको संसाधन मुहैया एक दिन हो जाएंगे, भारत फिर दोबारा से विश्व शक्ति बन जाएगा, एक देश प्रेम, एक राष्ट्र प्रेम दोबारा से आ जाएगा। तो अगर आप देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, आप अगर भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप समण हैं, समण इसलिए हैं क्योंकि समस्या सारी की सारी समण में ही है, समण ही गरीब हैं, समण के पास ही एजुकेशन नहीं है, समण के पास ही कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो संविधान में जाके वेलफेयर कर सकें अपना, या देश में जितने भी लोग हैं वो सबको समृद्ध और सुखशाली रख सकें। इसलिए काम उन्हीं के लिए हो रहा है, बाकी किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है। वो लोग पहले से जो समृद्ध हैं उनसे क्या बात करनी है, बल्कि उन्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए, और अगर वो मदद करते हैं तो वेलकम है कि वो हमारे हक अधिकार हमें दिला दें और दे दें, जो हक अधिकार उन्होंने ज़्यादा रखे हुए हैं। एक मनुष्य का जितना अधिकार है उतना सभी को मिलना चाहिए, ऐसा संविधान कहता है, ऐसा ही प्रकृति कहती है, ऐसा ही नियम कहता है।
इसलिए इस वी द पीपल में या हम भारत के लोग में अगर आपकी इच्छा है इसमें जुड़ने की, तो आप आइए, आके इसको देखिए, समझिए इसको। सीधे सीधे आके जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले अच्छी तरह से अपने सवाल जवाब कीजिए, बातचीत कीजिए। कोई व्यक्ति आपको जो वी द पीपल का है वो सवाल जवाब देता है, आप संतुष्ट नहीं है तो कोई और देगा, कोई और नहीं है तो कोई और देगा। और आपके सवाल जवाब से अगर मान लो ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई है, तो वी द पीपल के लोग इतने लिबरल हैं कि वो तुरंत अपने आप को चेंज कर लेते हैं और उस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बात ठीक है, आपने कही है, इसको माना जाएगा। और अगर आप कोई खराब बात कहते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि ये बात खराब है, आपकी बात को नहीं माना जाएगा। इसका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम या कोई ऐसा कोई लीडर नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई लीडर बनाने की प्रक्रिया है। सारे ही इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं जो भारत को बहुत विशाल तरीके से तरक्की में देखना चाहते हैं। विश्व गुरु, जैसे कि हमारे विश्व गुरु भगवान बुद्ध हैं, वैसा ही भारत भी विश्व गुरु हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है वो बुद्ध से जानी जाती है। अगर आप कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कहाँ से आए हो, भारत से, तो वो कहता है अच्छा बुद्ध के देश से। तो आपको आधी जो इज्जत है वो सिर्फ बुद्ध के नाम से मिल जाती है, बेशक आप चोर हैं मगर आपको आधी इज्जत इसी बात से मिल जाती है। और कहीं आपने कह दिया कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्ध का फॉलोअर हूँ, तो 100% एनर्जी मिलती है और खाना आपको फ्री मिलता है दुनिया के अंदर जहाँ भी आप जाएंगे। ये बुद्ध के देश की और बुद्ध की इज्जत आज भी दुनिया के अंदर है। ऐसी इज्जत बनाने के लिए हमें सीधे सच्चे अच्छे और मेहनती वी द पीपल के अंदर वो लोग जो चाहते हैं कि हम बिल्कुल भारत को फिर ऐसा करें, उनकी आवश्यकता है। आइए, आपका स्वागत है, आकर देखिए। धन्यवाद।